आइए, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं हमारे हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स की स्टडी आपको बताने वाला हूँ। एक 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 करके अलग 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 बीमारियाँ हैं, उसका अलग अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहाँ हम मनोरुग्ण का इलाज रिसारोग के साथ में या रिसारोग के अलावा करते रहते हैं। हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं, जहाँ लोग नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल करके हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाता है या वीडियो कॉल हो जाता है, व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं और अपने अपने साइकोथेरेपी या सम्मोहन उपचार या उसके बारे में जानकारी लेके अपना इलाज कर लेते हैं। तो आइए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हाँ, इनका क्या प्रॉब्लम बताइए। इनका ऐसा प्रॉब्लम नहीं, कुछ कुछ बोला भी बोलता है, समझ में नहीं आता है। हाँ, ये जो बोलता है समझ में नहीं आता, बड़बड़ करता है, बड़बड़ कर रहा है। उसके बाद खाना खाया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, वो समझ में नहीं आता, वो भी समझ में नहीं, और बोलता भी नहीं, भूल जाता है। जब जो बोला है वो भूल जाता है, भूल जाता है, जो भी बोला वो भूल जाता है, भूल जाता है। और लैट्रिन बाथरूम कपड़े में पेशाब वो कुछ नहीं करता हूँ। क्या हो रहा है डॉक्टर से? सर स्पष्ट, हाँ, बातचीत क्लियरली नहीं आ रही, स्पष्ट बातचीत नहीं कर पा रहा है, सब बोल रहे हैं। ठीक है ना, क्या नाम है आपका? रायवान। रायवान कहाँ रहते हो? बिपखेड़। अच्छा, देना हाथ ऊपर करो। देखो, ऐसा कंफ्यूजन होता है, मतलब उनको हम जो बात करते हैं वो समझ में नहीं आती, और कॉम्प्लिकेटेड कमांड जो है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब एक के पीछे एक, ऐसा दो तीन उसको अलग अलग बात करने के लिए बोला तो एक दो तीन बात ऐसे वो करेगा नहीं, क्योंकि उतना दिमाग चलता नहीं है। हमने इन्वेस्टिगेट जब किया तो मालूम पड़ा कि उनको ब्लड में खून सप्लाई, सॉरी ब्रेन में जो है वो खून सप्लाई नहीं हो रहा है। ब्रेन का खून जो जाता है तो इश्चिमिया है, जिसको हम बोलते हैं इश्चिमिया है, और इश्चिमिक फोसा है, अलग अलग जगह ब्रेन में ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा, वो मालूम पड़ा। क्योंकि उनका इलाज चालू है अभी, सवेरे से ठीक है, थोड़ा बहुत थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे काफी लोग हैं कि जिनको ये उम्र में 55-60 की उम्र में उनको ये बीमारी होती है कि जिसमें खून का दौरा जो है ब्रेन का वो कम हो जाता है, कोई कारण अलग अलग रहते हैं उसके, और उसके वजह से फिर ब्रेन काम करना छोड़ देता है, ब्रेन काम नहीं करता, फिर अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन ख्याल नहीं रहता, दिमाग इधर उधर भटक जाता है, भुलक्कड़पना आता है, और फिर उनको लगता है कि वो बहकी बहकी बातें कर रहा है तो वो पागल हो गया, इसलिए हमारे पास में लाते करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा विजन है, उसमें हम काम करते रहते हैं। आपका भी सपोर्ट इसमें हमें चाहिए। और आप सपोर्ट कैसा दे सकते हैं कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी इसमें होने दो, ताकि लोग अपने अपने जगह पे अपना इलाज कर सके और एक पावरफुल इंडिया, पावरफुल भारत देश हमारा हम तैयार कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।